छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर कट्टी कल्याण ब्लॉक का नक्सल प्रभावित गुड़से गांव में कोरोना वायरस को लेकर इतनी दहशत फैल चुकी है कि एक युवक को मौत के बाद अपने ही गांव में दफनाने की जगह नहीं मिली। युवक की अर्थी को कंधा देने के लिए ना तो परिवार का कोई सदस्य आगे आया, ना ही कोई ग्रामीण शामिल हुआ। गांव में अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं मिली तो शव को नाले में ही दफना दिया गया। युवक की कोरोना से नहीं बल्कि सामान्य मौत थी। दरअसल 22 साल का लखमा पिछले 6 महीने से आंध्र प्रदेश में मिर्ची तोड़ने का काम करता था। 25 मार्च को उसकी वहीं पर मौत हो गई। जब गांव के लोगों को यह बात पता चली तो उन्हें संदेह हुआ कि लखमा की मौत कोरोना की वजह से हुई है। गांव के लोगों ने आंध्र प्रदेश में ही अंतिम संस्कार करने को कहे, लेकिन लखमा जिस व्यक्ति के लिए काम करता था उसने शव गांव ही भेज दिया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश से गांव तक लाए ग्रामीणों ने ही उसके दफन करने की तैयारी शुरू कर दी और आनन फानन में लखमा का शव एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया। जिस ग्रामीण की जमीन पर वह पेड़ था वह भड़क गया। इसके बाद दफनाए शव को फिर से निकलवाना पड़ा और उसे गांव से बहने वाले नाले के अंदर गड्ढा खोदकर दफनाया गया। आपको बता दें कि लखमा के परिवार वाले शव को घर लाने के बाद भी बेटे को आखिरी बार नहीं देख पाए। लखमा परिवार में सबसे छोटा था। न्यूज़ डेस्क।